ठीक है, तो जस्ट फॉर द रिकॉर्डिंग आई नीड टू डिस्कस दिस दोबारा थोड़ा सा, जस्ट आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। अच्छा जी, हमने सेल्फ एचिंग एडहेसिव स्ट्रॉन्ग की बात कर ली। अब माइल्ड सेल्फ एचिंग का फायदा क्या हो रहा है कि माइल्ड सेल्फ एचिंग एडहेसिव में जो स्मेयर लेयर है वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो रही, पूरी तरह से हाइड्रोक्सीएप्टाइड जो है वो डिसिपेट नहीं हो रहा है, एंड देयर इज रेजिडुअल हाइड्रोक्सीएप्टाइड इनफ नीडेड फॉर फंक्शनल मोनोमर टू बॉन्ड आयनिकली टू दैट, मतलब केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, तो ये माइल्ड सेल्फ एचिंग एडहेसिव का काम है। ठीक है, और इसके अंदर तीन तरह के हो सकते हैं, 4-मेटा हो सकता है, 10-MDP हो सकता है और फिनाइल पी हो सकता है। ठीक है, और वीक सेल्फ एचिंग जो कि माइल्ड सेल्फ एडहेसिव कर रहे हैं उनका फायदा क्या है कि वो इनेमल को भी एच कर रहे हैं और माइक्रो मैकेनिकली हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं डेंटीन में। डेंटीन को 1 μm तक माइल्ड सेल्फ एडहेसिव करेगा और उसकी पीएच अराउंड 2 होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो है वो 4 μm तक कर रहा था, ये 2 μm तक कर रहा है, ये 1 μm तक कर रहा है और उसकी पीएच 2 है और ये इनफ हाइड्रोक्सीएप्टाइड छोड़ रहा है ताकि आप केमिकली बॉन्ड कर सकें। ठीक है, और माइक्रो मैकेनिकल भी 1 μm का रिटेंटिव टैग बना रहा है। ठीक है, कमिंग व्हाट इज द बेसिक चैलेंज, द बेसिक चैलेंज इज टू इंट्रैक्ट विथ हाइड्रोक्सीएप्टाइड इन सच अ वे दैट द रिजल्टिंग कैल्शियम कार्बोक्सिलेट और कैल्शियम फॉस्फेट बॉन्ड्स आर स्टेबल लॉन्ग टर्म और हाइड्रोफिलिक एनवायरमेंट को भी मैनेज हो जाए, मतलब हाइड्रोक्सीएप्टाइड से भी बॉन्डिंग हो जाए और हाइड्रोफिलिक एनवायरमेंट भी कर्टेल हो जाए। मतलब आपने इतना अगर ज्यादा डीप बना दिया रिटेंटिव टैग तो नीचे तक वाटर भी ज्यादा चला जाएगा तो वो मैनेज नहीं होगा। माइल्ड में इतना डीप रिटेंटिव टैग नहीं होगा तो वाटर भी नीचे तक ज्यादा नहीं जाएगा तो वो मैनेजेबल है। माइल्ड सेल्फ एच एडहेसिव्स का डिसएडवांटेज क्या कि वो इनेमल को अच्छा एच नहीं करता, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट एचिंग प्रॉपर्टी ले आए। इंटरमीडिएट एचिंग का फायदा क्या है कि वो इनेमल को भी थोड़ा ज्यादा अच्छा एच कर लेता है, उसकी एसिडिटी बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड होती है और वो बेस में इनफ हाइड्रोक्सीएप्टाइड छोड़ा हुआ होता है उसने कि उससे बॉन्ड कर जाए आपका फंक्शनल मोनोमर। ठीक है, अच्छा अब ये वीडियो देख लेते हैं। अब वी आर स्टार्टिंग 2-स्टेप सेल्फ एचिंग स्टेप बाय स्टेप एंड 1-स्टेप सेल्फ एचिंग स्टेप बाय स्टेप। अब ये 2-स्टेप सेल्फ एचिंग का जिस तरह आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि व्हाट इज 2-स्टेप सेल्फ एचिंग क्लिनिकली कैसे परफॉर्म करेंगे तो ये इसकी वीडियो है। जस्ट सी दिस वीडियो एंड वी विल बी टॉकिंग फर्दर। हम ये वीडियो देख लेते हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं वीडियो आ रही है। ठीक है, अब ये 2-स्टेप सेल्फ एचिंग एडहेसिव आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है, नजर आ रहा है? ठीक है, अब ये वीडियो को देखें। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सेल्फ एचिंग प्राइमर लगाया। ठीक है, सेल्फ एचिंग प्राइमर रबर डैम लगा हुआ, आइसोलेशन हुई भी है, सेल्फ एचिंग प्राइमर को अच्छी तरह से लगाया 15-20 सेकंड्स तक। ठीक है, दिस इज 2-स्टेप सेल्फ एचिंग। ठीक है,
जेंटली एयर ड्राई किया 5 to 10 seconds के लिए। ठीक है, एडहेसिव लगाया अब। ठीक है, 15 to 20 seconds के लिए एडहेसिव लगाया। अब ये पूरा हाइड्रोफिलिक एरिया को हाइड्रोफोबिक कर दिया है इसने। ठीक है, अब ये एयर बबल्स को रिमूव कर रहा है। आर यू गाइज एबल टू सी द वीडियो? स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, ठीक है, अभी लाइट क्योर किया उसने। ठीक है, इंजेक्शन को, इंजेक्शन ऑफ फ्लोएबल कॉम्पोनेंट यूज कर रहा है इसको भरने के लिए। ठीक है, गॉट एन आइडिया? अब ये कॉम्पोजिट इसके ऊपर लगा रहा है, इसको एजिटेट कर रहा है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू स्क्रीन शेयर, न्यू शेयर। ठीक है जी, समझ में आ गया किस तरह का प्रोसीजर हो रहा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टू स्टेप सेल्फ एचिंग एडहेसिव में क्या हो रहा है। थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं। सेल्फ एचिंग प्राइमर की बात की थी, सेल्फ एचिंग प्राइमर का जिस तरह उसने पहले सेल्फ एचिंग प्राइमर लगाया उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। आइसोलेट करना है, सेल्फ एचिंग प्राइमर लगाना है, सेल्फ एचिंग डेंटिन की बात करना, इनेमल की बात नहीं कर रहे। सेल्फ एचिंग प्राइमर लगाया, अच्छी तरह से सेल्फ एचिंग प्राइमर को एजिटेट किया, 10 टू 15 सेकंड्स के लिए उसको ड्राई किया। ठीक है, और अब उसके ऊपर क्योंकि हम टू स्टेप की बात कर रहे हैं, टू स्टेप की बात कर रहे हैं, टू स्टेप की बात कर रहे हैं या टू बॉटल की बात कर रहे हैं जिसमें सेल्फ एचिंग प्राइमर अलग है और बॉन्डिंग एजेंट अलग है। ठीक है, दिस इज सिक्स्थ जनरेशन। सेवेंथ और एट्थ जनरेशन में एक ही चीज में सेल्फ एचिंग प्राइमर आ जाता है और प्लस बॉन्ड आ जाता है एक ही में। अभी हम बात कर रहे हैं सिक्स्थ जनरेशन की जिसमें सेल्फ एचिंग प्राइमर अलग है, बॉन्ड अलग है। ठीक है, सारी बातें जो हमने कर ली हैं वो दोबारा दोबारा थोड़ी बहुत रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, एनी एरिया विच इज लेफ्ट, जस्ट आस्क इट ताकि मैं उसको क्लियर कर दूं। ठीक है, एच एंड ड्राई एडहेसिव्स भी कहते हैं, स्मेयर लेयर मॉडिफाइंग एडहेसिव्स भी कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, इनमें एसिडिक मोनोमर्स हैं दैट साइमल्टेनियसली कंडीशन एंड प्राइम द डेंटिनल सबस्ट्रेट। कंडीशन का वर्ड जब भी आएगा तो उसको मीनिंग में लीजिएगा जैसे एच हो रहा है। ठीक है, एच एंड प्राइम या कंडीशन एंड प्राइम द डेंटिनल सबस्ट्रेट, दे डू नॉट रिक्वायर सेपरेट एचिंग प्रोसीजर। ठीक है, the salts removed from the enamel and dentine contribute to buffering of the acidity of the solution. Jo salts dentine aur enamel se niklengi wo buffer karti rahengi us self etching primer ko. Such systems thus have been described as more user friendly, shorter application time, fewer steps and less technique sensitive. Theek hai, technique sensitive ki baat wahi, hame nahi parwah karni hai ki kitni der dry, kitni der etch ko dhona hai, kitni der wet rakhna hai, kitna air dry karna hai, kitni der bond lagana hai, ye humne zehen mein nahi rakhna. Ab humne self etching primer lagaya, koi rinse wagera nahi kiya, rubber dam lagaya hua, self etching primer lagaya, 10 minute reh gaye, meeting dobara hogi uske baad. Theek hai, 10 minute ke baad main again dobara meeting karunga. Aage option, acha ji, to technique सेंसिटिव है, नो वेट बॉन्डिंग, सिंपल ड्राइंग। ठीक है, कैविटी प्रिपेयर की, सेल्फ एचिंग प्राइमर लगाया, सेल्फ एचिंग प्राइमर लगाने के बाद उसको ड्राई किया और बॉन्ड लगा दिया। सेल्फ एचिंग एडहेसिव्स रिक्वायर ओनली एयर ड्राइंग, अवॉइडिंग द नीड फॉर रिंसिंग आफ्टर एप्लीकेशन। ठीक है, कंसिक्वेंटली दीज एडहेसिव्स डू नॉट रिमूव द स्मियर लेयर एसोसिएटेड विद लो पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी। मैं मैकेनिज्म समझा चुका हूँ, ट्यूब्यूल के अंदर जब स्मेयर मौजूद होगा तो फ्लूइड ऊपर नहीं आ सकेगा। फ्लूइड करता है हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी की से सेंसिटिविटी, वो सेंसिटिविटी नहीं होगी। ठीक है, एसोसिएटेड विद लोअर पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी देन दैट ऑफ द एच एंड रिंस एडहेसिव्स मेनली व्हेन इवैल्यूएटेड इन डीपर कैविटीज। डेंटिनल ट्यूब्यूल्स रिमेन पार्शियली ऑब्लिटेटेड बाय स्मेयर प्लग्स।
ठीक है, स्मेयर प्लग से डेंटिनल ट्यूबल्स ऑब्लिटेटेड होंगे तो सेंसिटिविटी नहीं होगी. टू स्टेप सेल्फ एचिंग एडहेसिव्स एम्प्लॉय अ सेपरेट सेल्फ एचिंग प्राइमर फॉलोड बाय अ हाइड्रोफोबिक एंड रिलेटिवली सॉल्वेंट फ्री एडहेसिव रेजिन. याद रख लें, सिक्स जनरेशन बहुत अच्छी जनरेशन है. फोर्थ जनरेशन के बाद जिस जनरेशन को पसीराई मिली है वो सिक्स जनरेशन है. उसका जो रीजन है वो ये है कि सेल्फ एचिंग प्राइमर के बाद जिस तरह वहां पे फोर्थ जनरेशन में प्राइमर के बाद अनसॉल्वेटेड बॉन्ड लगता था, उस बॉन्ड के अंदर कोई भी सॉल्वेंट नहीं होता था तो वो एक अच्छी सी कोटिंग बना लेता था प्राइमर के ऊपर, इसी तरह इसमें भी सेल्फ एचिंग प्राइमर के बाद, सेल्फ एचिंग प्राइमर के अंदर खूब पानी भरा हुआ है, उसको ड्राई करने के बाद एक ऊपर बॉन्ड लगाते हैं जिसके अंदर पानी नहीं होता, जिसके अंदर कोई सॉल्वेंट नहीं होता. सॉल्वेंट फ्री एडहेसिव सेल्फ एचिंग प्राइमर फॉलोड बाय हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक एंड रिलेटिवली सॉल्वेंट फ्री एडहेसिव रेजिन सिमिलर टू दैट यूज इन थ्री स्टेप एच एंड रिंस एडहेसिव्स. ये बॉन्ड एक हाइड्रोफोबिक कोटिंग बना देता है ऊपर ताकि कॉम्पोजिट लगे. सेल्फ एचिंग प्राइमर में बहुत हाइड्रोफिलिक कंटेंट होता है, अगर सेल्फ एचिंग प्राइमर के ऊपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग ना हो तो वो अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं अचीव होती, अच्छा बॉन्ड नहीं अचीव होता. अच्छा जी, पहला स्टेप क्या है, सेल्फ एचिंग एंड प्राइमिंग करेंगे. किस तरह करेंगे सेल्फ एचिंग एंड प्राइमिंग, स्टेप में दिखा चुका हूं मैं वीडियो में. क्लिनिकली द एप्लीकेशन ऑफ वीक एसिड टू इनेमल कैन नॉट प्रोड्यूस द सेम एक्सटेंट ऑफ डीमिनरलाइजेशन एंड टिपिकल फ्रॉस्टी अपीयरेंस ऑब्टेंड विद द यूज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, अब उस वीडियो में ये नहीं था, उस वीडियो में सिर्फ डेंटिन को कर रहे थे. तो जब भी सेल्फ एचिंग अप्रोच यूज होती है, कहते हैं कि सेल्फ एचिंग अप्रोच में चूंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता तो इनेमल को अच्छी तरह से एच नहीं करेगा, तो आप कॉटन रख के, टेफ्लॉन रख के डेंटिन पे, कोई भी ऐसी चीज रख के डेंटिन पे अलग से इनेमल को एच करें. दैट इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव इनेमल एचिंग या सेलेक्टिव एचिंग. टोटल एच ना करें, सेलेक्टिव एच करें. तमाम चीजों पे नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इनेमल पे एच लगेगा. सेल्फ एचिंग प्राइमर्स प्रोड्यूस अ शैलो एंड लेस रिटेंटिव इनेमल एचिंग पैटर्न बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट पेनिट्रेशन इनटू द इनेमल सरफेस फॉर्म नैनो टैग्स. दस मैन्युफैक्चरर्स ऑफ माइल्ड सेल्फ एचिंग एडहेसिव सिस्टम रेकमेंड दैट फॉस्फोरिक एसिड एचिंग बी यूज्ड ओनली ऑन इनेमल. सिर्फ इनेमल में फॉस्फोरिक एसिड एचिंग यूज करें. इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू अप्लाई फॉस्फोरिक एसिड एचिंग टू इनेमल without involving dentine, this procedure must be approached with caution. ठीक है, अगेन टेक्निक थोड़ी सी सेंसिटिव है इस सिक्स जनरेशन में, जब ही सेवन जनरेशन एट जनरेशन आगे आई है और जब ही यूनिवर्सल एडहेसिव्स आगे आए हैं, कि भाई इसमें मसला ये होता है कि आप इनेमल को एच करते हुए कभी कभार डेंटिन को भी थोड़ा एच लग जाता है, वहां पे मसले आ जाएंगे. ठीक है, चलो. सेल्फ एचिंग एंड रिंसिंग ऑफ डेंटिन. अब सेल्फ एचिंग और रिंसिंग ऑफ डेंटिन क्या होगा, किस तरह करेंगे, वीडियो में देख चुके हैं. जस्ट नीड टू पिक अप अ कॉल, जस्ट टू मिनट्स. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा चल ठीक है, वहीं पर इसको मैं पेमेंट मांग रहे हैं. अच्छा जी, अच्छा आप बात कर रहे हैं. पेमेंट हो गई है उनको, कैसा बिल्कुल नहीं.
हरे कृष्ण जी।